आज चैप्टर सेकंड स्टार्ट करन जा रहे हैं द पंपकिन टेस्ट। पंपकिन टेस्ट बेटा पंपकिन का मतलब की होंदा है कद्दू जिहड़ी आपां सब्जी बनाउंदे आ ना कद्दू ओहदे बारे ये सारी स्टोरी हैगी आ। सो आपां ये स्टार्ट करदे आ। राजा तुसीं एक गल ख्याल रखनी है कि जिहड़े मैं तुहानूं पंजाबी दे विच दसांगी मीनिंग वो तुसीं एज आ वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक के उपर उतार लैणी है। ठीक है राजे? ओके बेटा। अ यंग प्रिंस द एयर अपेरेंट। एयर अपेरेंट का मतलब होंदा है बेटा उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी का मतलब कि जिस तरह मान लो एक राजा हैगा वा गांव उहदा पुत्तर आ उन्हें राजगद्दी जिहड़ी आ राज शासन आ जिहड़ा वो संभालना उन्हें। ठीक है? वॉज वरिड। वरिड होंदा है चिंता। चिंता विच दैट ही वुड नॉट मेक अ गुड किंग। किंदे एक प्रिंस सीगा जवान प्रिंस सीगा उन्हों हमेशा एक चिंता लगी रहिंदी सी कि मैं एक चंगा राजा नहीं बन सकता। एंड ही रियली वॉन्टड टू बी अ वाइस वन लाइक हिज फादर। वो अपने फादर वांग सियाणा बनना चाहुंदा सीगा। एंड सो ही थॉट ही शुड फाइंड आउट व्हाट द पीपल इन हिज किंगडम। किंगडम हुंदा है राज जां शासन। ओ सोचदा सी कि मैं पता करना चाहुंदा कि इत्थों दे जिहड़े शासन दे जिहड़े लोक हैगे राज दे लोक हैगे आ वो किस तरह का राज पसंद करते। ही वेंट राइडिंग टू ईच टाउन एंड विलेज इन द किंगडम। वो उतों के शासन के जोड़े टाउन आ पिंड आ उ जोड़े आ राइडिंग करन लग गया देख लगा भी किस तरह के लोग आ उन्होंने वॉच करना सीगा उन्हें। आफ्टर मैनी डेज ऑफ ट्रैवल एंड मीटिंग पीपल द प्रिंस वॉज ऑन हिज वे बैक टू हिज कैसल। कैसल हुंदा बेटा महल। कहिंदे कुछ दिनों बाद जदों वो अपने लोगों के नाल मिलजुल के वापस आया अपने महल वल वैन ही रोड हिज हॉर्स डीप इन टू द वुड्स एंड लॉस्ट ट्रैक ऑफ हिज कंपेनियंस। लॉस्ट ट्रैक बेटा हुंदा है कि रस्ता भुल गया उहदे नाल कोई भी नहीं रहा कंपेनियंस हुंदा है साथी। वो जदों अपने महल वल वापस आ रहा सी तो कल्ला रह गया सी उहदे नाल सारे जिहड़े साथी सीगे उहदे विछड़ गए सीगे। द प्रिंस केम अपॉन अ हट सराउंडड बाय अ गार्डन। अखीर वो अचानक एक हट दे कोल पहुँचा। बेटा तुसीं देख सकते हो देखो हट आ उहदे चारे पासे की आ गार्डन आ सराउंडड मतलब घिरी होई सी गार्डन दे नाल ओली हट। द प्रिंस सॉरी टेंडिंग द गार्डन वॉज अ यंग गर्ल। उत्थे उहनू बगीचे दे विच कौन मिलिया सीगा एक यंग गर्ल मिली सी। द प्रिंस आस्क्ड हर प्रिंस ने उहनू पुछा टैल मी लास्ट। लास्ट का मतलब बेटा होंदा है कि लड़की तो जवान सी पर उहदा फैशन की सीगा ओल्ड ओल्ड फैशनड गर्ल सीगी। प्रिंस ने उहनू पुछा कि मैनू दसो व्हाट डू यू ग्रो हेयर। ग्रो हुंदा उगाउणा कि तुसीं इत्थे की उगाया। शी रिप्लाइड उन्हें उत्तर दिता आई एम रेजिंग पंपकिंस मैं इतने कद्दू उगाए। द प्रिंस वॉज वेरी हंगरी एंड आस्क फॉर समथिंग टू ईट। कहिंदे प्रिंस नूं बहुत भुख लगी हुई सी ते उन्हें कुछ उहदे कोलों खाण लई पुछया। द गर्ल रिप्लाइड गर्ल ने उत्तर दिता आई कुड कुक अ मील राइट नाओ। मैं तेरे वास्ते कुछ भोजन तैयार कर दिनी हाँ बट आई हैव टू वॉटर द प्लांट्स। पर मेरे जिहड़े पौद्यां नूं अजे पानी देण वाला वा। वुड यू वॉटर द गार्डन फॉर मी। कि तू मेरे करके मेरे बगीचे नूं पानी दे सकदा वा। द प्रिंस लुकड एट द गार्डन येलो पंपकिनस लेड आउट एंड रोज़। रोज़ बेटा मैं तुहानूं पिछले चैप्टर 'च वी दस्सिया सी कतारां हुंदियां है रोज़ कतारां रो कतार अराउंड द कॉटेज एंड थॉट हाउ हार्ड कुड दिस बी। जदों उन्हें कहा ना तुसीं मेरे बगीचे विच पानी दे सकदे हो तो प्रिंस ने जदों बेटा सारे बन्ने देखिया तो उन्हें की देखिया कि बहुत ज़्यादा ये तो लंबा बगीचा हैगा वा मैनू इन्ना ज़्यादा पानी देना पेगा ये तो बहुत ज़्यादा औखा है तो सारे बन्ने घिरिया होया वा। ही सैड टू द गर्ल गो ऑन कुक द मील आई विल वॉटर योर गार्डन। उन्हें लड़की नूं कहा तुसी जाओ भोजन तैयार करो तो मैं तुहाडे बगीचे विच पानी दे दिना है। द वॉटर फॉर द गार्डन हैड टू बी ब्रॉट। ब्रॉट मीन हुंदा लियाउणा फॉर अ स्ट्रीम फॉर इनसाइड द वुड्स। स्ट्रीम हुंदी है नदी फार हुंदा है दूर।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਿਲਾਈਜ਼ਡ ਦੈਟ ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਕਟਸ ਵਿਲ ਟੂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਮ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੂੰਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਊਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਵਾਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋਂਗ ਵੁੱਡਡ ਪਾਥ ਵਿਦ ਟੂ ਹੈਵੀ ਬਕਟਸ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦੋ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਇਜ਼ ਟੂ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਗੁੱਡ ਐਟ ਵਾਟਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਈਦਰ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਈਦਾ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਫਟਰ ਹਾਫ ਆ ਡੇਜ਼ ਵਰਕ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਟ ਅਮੰਗ ਦੀ ਓਵਰ ਵਾਟਰਡ ਪੰਪਕਿਨਸ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੱਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਿਜ਼ ਰੋਇਲ ਰੋਬਸ ਸਪਲੈਟਰਡ ਵਿਦ ਮੱਡ। ਰੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਬਸ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਸਪਲੈਟਰਡ ਮਤਲਬ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਾਹਦੇ ਮੱਡ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਐਂਡ ਵੰਡਰਡ ਹਾਓ ਦੀ ਗਰਲ ਕੁੱਡ ਮੈਨੇਜ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਵੰਡਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ।